अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ तमी नाजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बनाना जो सिखाने जा रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई। सबसे पहले आप और गरम करें, उसके अंदर आप डालें जो लहसुन, थोड़ा थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन होने दें। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा सा होने लगा है, हमें इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं। अब मैं इसके अंदर अपना डालूंगी चिकन। लीजिए, अच्छा जी, चिकन इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये हल्का हल्का सा, अगर आप देखें तो ये ब्राउन हो रहा है। जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आपने क्या करना है, देखिए जरा क्या करेंगे जी आप। ये मैंने इन टमाटरों को दो हिस्सों में काट लिया है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह इनको धीरे धीरे यूं ऐसे, लो हमने इसको डाल लिया अंदर। अब ये मैंने बड़े बड़े क्यों काटे हैं, इसलिए काटे हैं कि ये क्या होगा, इनको इनके अंदर रहने दें थोड़ी देर, आंच थोड़ी सी धीमी कर दें, थोड़ी सी स्लो कर दें। अब क्या होगा, ये टमाटर इसके अंदर खुद से ही गल जाएंगे और फिर मैं इसका जो ऊपर का छिलका है वो उतार दूंगी। चिकन कढ़ाई जो होती है ना, उसमें टमाटर के ऊपर वाले जो छिलके होते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। देखें, जो है ना चिकन कढ़ाई की रेसिपी, मैं सारे दूसरों की फॉलो नहीं करती, कुछ जो है मेरी अपनी टिप्स होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अब जब ये थोड़े से टमाटर नरम हो जाएंगे, इनके ऊपर से छिलका उतरने लगेगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो सारे मेरे मसाला जार हैं वो कौन कौन से हैं जो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। अच्छा जी, चिकन कढ़ाई में जो मसाला जार जाने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मिकदार आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैं क्योंकि दो बंदों के लिए बना रही हूँ तो उसके लिए ये है, हल्दी, नमक, चिकन मसाला, जीरा, मेथी, ये लाल मिर्च और आमचूर का पाउडर, ये सब चीजें इसके अंदर जाएगी। इसके बाद जो चीजें जाएगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। क्योंकि टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और आप इनको यूं करके मैश कर लें ऐसे। अब आपने इनको यूं मैश किया, लीजिए जी अब बारी आ गई है हमारे मसालों की। मसाले तो सब आपको मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन से जाने हैं। ये देखें, ये जाएंगे सब मसाले इसके अंदर। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आ गया है इसके अंदर, बहुत ही मसाला से मसाला। माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, इंतहाई खूबसूरत इसका कलर आ गया। अब यूं ही आप इसको जो है 5-10 मिनट तक भूनते रहें। लीजिए, अब इसके अंदर मैंने 1 स्पून भर के योगर्ट की डाल दी। बस अब हमारा काम खत्म। इसको अब आपने डाल के भूनना है, भूनना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अब मैं क्या करूंगी, कुछ टाइम तक भूनूंगी और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसके बाद हमने धनिया और अदरक डाल दिए इसके अंदर। देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है।
अब इसके अंदर हम डालेंगे देखिए अदरक, थोड़ा सा धनिया। माशाल्लाह से बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई देखते हैं। अच्छा जी, आप मुझे इजाज़त दें तहमीना सर को अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।